उधर जलंधर के वेरका मिल्क प्लांट नेड़े बाल हस्पताल के विचले पास सरकारी खंभे से बिजली मीटर लाने लैके झगड़ा हो गया। सूचना मुताबिक बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों लैके घर के बाहर लगे सरकारी खंभे से बिजली का मीटर लगाने लिए पहुंची थी, जिससे परिवारक मैंबरों के वालों पुलिस से बिजली विभाग के अधिकारियों उन्होंने थान एक सरकारी व्यक्ति के वालों नाजायज कब्जा करने मीटर बिजली के मीटर लगाने के दोष लगाए। इस गल को लेकर पुलिस से परिवारक मैंबर विचाले जबरदस्त झड़प हो गई, जिस एक बुजुर्ग बेहोश होकर जमीन से डिग गया। तस्वीर भी सामने आई ने, तस्वीर तुम देख सकते हो कि जिस झड़प होंगी दिखाई दे रही है। बिजली मीटर लगा पहुंचा बिजली विभाग, जिथे झड़प होंगी दिखाई दे रही है। बिजली विभाग के पुलिस परिवारक मैंबर की बिजली लगाने लैके इस बिजली मीटर जड़ा लगाने लैके पूरा जड़ा मामला पकड़ा। पुलिस इलाका निवासियों विचाले झड़प हुई है। पुलिस से बिजली विभाग से लाए नाजायज कब्जे के दोष। इस झड़प दौरान एक बुजुर्ग जड़ा वो बेहोश होकर हेठां डिग गया सीगा। विभाग जिथे यह झड़प देखण नूं मिली, पुलिस ते इलाका निवासियां बचाले जबरदस्त झड़प हुई। झड़प दौरान एक बुजुर्ग जड़ा इस पूरे झगड़े दौरान एक बुजुर्ग भी जख्मी होया, तो मीटर भी तोड़ दिता गया। उत्थे तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जड़ा मीटर के इट्टां मार के उसनूं तोड़ रहा है। तो झड़प जिहड़ी है इस मौके हुई, तो देख सकते हो कि एक बुजुर्ग जड़ा इस मौके बेहोश होकर धर हेठां जड़ा डिग गया सी जमीन ते। पुलिस से बिजली विभाग से नाजायज कब्जे के दोष जड़े लगाए गए। झड़प दौरान एक बुजुर्ग बेहोश भी होया। तस्वीर तुम देख सकते हो कि तस्वीर के झड़प होंगी दिखाई दे रही है, तो ना ही बुजुर्ग के वालों एक मीटर से जड़े आ रोड़े भी मारे जा रहे, उसनों तोड़िया जा रहा। इस पूरे मामले से साढ़े सहयोगी नरेंद्र गुप्ता साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, जानकारी लवेंगे। तो नरेंद्र, जोड़ा मामला सामने आया पुलिस से बिजली विभाग से नाजायज कब्जे के दोष लगे ने, की पूरा मामला है ते अधिकारियों वालों की कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखो सिमी, जो मामला है जलंधर के वेरका मिल्क प्लांट के कोल बल होस्पिटल है, वो बैक साइड उत्ते जोड़ा वा यह देर रात जोड़ा वा मामला होया वा। सरकारी खंभा से जिथे बिजली विभाग के जोड़े लोग है, जोड़े अपना कर्मचारी है, उत्थे मीटर लाने पहुंचते हैं, तो उतों नाल ही जी पुलिस टीम भी उन्होंने नाल होंगे वा। पर कितना कितने जोड़े उतों के लोग होंगे ने, जोड़े से लोग कहते उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट के जो अपना अधिकारी आते हैं उन्होंने जोड़ा वा जम के विवाद हो जाता वा। वो जो विवाद है इतों तक हो जाता वा कि हथों पाई तक भी जी नौबत आ जाती है। तो जो लोगों ने पुलिस वाले ने यह गल की कि बिजली विभाग के उत्ते ही उन्होंने इल्जाम लाए ने कि कब्जा कर आए थे, कब्जा करने के रोक लगाए ने। तो तुम तस्वीर भी देख सकते हो कि उन्होंने हथों पाई भी होंगी है, आम लोगों के बिजली विभाग वाले की हथों पाई भी होंगी है, पुलिस के नाल भी हथों पाई होंगी है। और इतों तक कि मीटर को तोड़िया भी जाता, सरकारी मीटर में जरा वा तोड़िया जाता, इट्टा मार के तोड़िया जाता, विवाद इन्ना ज्यादा जरा वा बढ़ जाता वा। पर कितने कितने अधिकारी तो कर्मचारी जोड़े तो खंभे सरकारी जरा बाहर खंभे लगे होंगे, सरकारी खंभे जोड़े बाहर लगे होंगे ने, उतने मीटर लाने आए थे। तो घर वालों वालों यह कहा जाता वा भी इन्होंने वालों जरा वा कब्जा करने की कोशिश की गई है, नजायज कब्जा करके जोड़े ने मीटर लगाने की कोशिश की गई है, उसनों लैके जरा वा यह नौबत जी हथों पाई तक हुई। और एक बुजुर्ग भी तुम देख सकते हो कि वो बेसुध होकर जरा वा बेहोश होकर जरा वा जमीन पर भी डिग जाता वा, तो उन्होंने पुलिस जी फड़ के लैके जाने की कोशिश करती है। तो उस तो बाद बेटा जोड़ा उत्थे आता वा, तो उन्होंने छुड़ाने की भी कोशिश करता वा। तो कितने ना कि यह जोड़ा मामला वा बड़ा ज्यादा मतलब कि उस वे भख गया ही, जो उत्थे इट्टा रोड़े भी चले ने और बिजली के मीटर तोड़ा भी तोड़िया गया वा। तो जो उत्थे एस एच ओ एक उत्थे पहुंचे तो उन्होंने जो असं गल करने की कोशिश की, वो कैमरे को भजते तस्वीर में भी असं तुम दिखा सकते कि कितना कैमरे तो भजते पे अभी, कोई उन्होंने नहीं किया भी असं किस वास्ते आए हैं, की गल हुई है, की उन्होंने कोई कंप्लेट गई है। मीडिया कर्मियों वालों सवाल भी पूछे जाते हैं, पर सवालों तो भजते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल उन्होंने कोई मीडिया कर्मियों को कोई भी ये बारे जवाब नहीं दिता भी असं किस वास्ते आए थी। पर कितने कितने जी सारी कार्रवाई जी जिदा पुलिस के एस एच ओ जिदा भजते हुए दिखाई देते हैं, संदिग्ध के घेरे में दिखते भी दिखाई देते कि पुलिस वाले उठे आए हैं, किस तरह बुजुर्ग में एक फटते पे ने, बुजुर्ग बेसुद होकर डिग जाता वा। तो कितने ना कि कहना मैंने मार
मार दियो, मेरे 302 ला दियो, कई कुछ मतलब कि उत्थे काफी मतलब कि आप कैसे ड्रामा भी काफी देखने को मिलता है, पर कितना कितने बिजली विभाग वाले की भी उत्थे लापरवाही सामने आई है कि जो मीटर लाने आए थे तो उन्होंने लोगों नाल तालमेल रख के मीटर लाने चाहिए, असी दसना चाहिए कि असी बिजली विभाग के कर्मचारी हाँ, असी इतने मीटर लाने आए ना कि असी कोई नजायज कब्जा कर आए हैं। मीटर लगाना एक इलाका निवासी के वालों उसू लैके भी जोड़ा विवाद हो सकता है कि इलाका निवासी उस चीज़ को लैके भी कह रहे हो दिन के गलबात की जा सकती सी, फिर उसे जोड़ा मीटर लगाया जा सकता सी। बिल्कुल सिमी देखो देर रात की घटना वा, रात को तो वैसे पहली गल डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट है चाहे बिजली डिपार्टमेंट है जा कोई भी विभाग हैगा वा रात को तो वैसे ही काम नहीं करता है, तो ये रात देर रात आते हैं मीटर लाने वास्ते तो कितना कितने ये जी सारी घटना संदिग्ध भी दिखती सी, तो उन्होंने भी लगता से कि हो सकता वा भी ये कोई अपना डीलर प्रोपर्टी डीलर वाले हो कोई कोलोनाइजर हो चीज़ को अंजाम देने आए हो कब्जा करने वास्ते आए हो जिसनों लैके विवाद होया, पर अगर ये घटना दिन की होंगी या सवेरे सवेरे विभाग के कर्मचारी आते तो उत्थे जाके लोगों को कहते जी असं मीटर लाने हैं, सरकारी खंभा वा असं इतने अपने बिजली विभाग तो आए हैं मीटर लाने हैं, तो शायद ये जी इन्नी राती घटना हुई है ना ना वापर दी कितने कितने लोगों का रात को जरा वा बिल्कुल गुस्सा भी जायज कि रात के समय बिजली विभाग के कर्मचारी उत्थे आते हैं मीटर लाने का मीटर लाते हैं तो बाद हथों पाई भी करते हैं, बाद जो तस्वीर भी देते बिजली विभाग के कर्मचारी उतो अपनी गड्डी लैके भजद ये भी दिखाई देते हैं, तो कितने ना कि जी सारी घटना जी भी देर रात की जी घटना सी कितने कितने संदिग्ध के घेरे में भी आती है भी क्यों रात को कर्मचारी उत्थे आते हैं क्यों रात को मीटर लगाए जाते हैं, फिर पुलिस के एस एच ओ जे ने बिना मीडिया को कुछ दसिया उतों के भजते हुए दिखाई देते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं भी घटना बारे सानू कुछ तो दसो भी तुम क्यों आए हैं, पर भजते हुए दिखाई देते हैं, जो उस बजुर्ग नाल भी गल करने की कोशिश की उत्थे जी लेडी है उन्होंने भी गल करने की कोशिश की उन्होंने भी कुछ दसन तो इनकार कर दिता, और जो मीटर तोड़ रहे बजुर्ग इटा मार के जो असं उत्थे कैमरा चलाने की कोशिश की तो उन्होंने उसको रोकने की भी कोशिश की अगे हाथ भी लेडी ने रखा भी ना यह घटना ना कैद हो क्योंकि सरकारी संपत्ति से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी एक जरा वा कानूनी जुलम हैगा वा, जो उसको असी कैप्चर करने की कोशिश की तो उस वे उस औरत ने साडे कैमरे अगे भी हाथ रखा भी इस ना कैप्चर किया जाए भी सरकारी संपत्ति में जो बुजुर्ग नुकसान पहुंचा रहे हैं ना कैमरे में कैद हो, पर कितना कितने तस्वीर कैमरे में कैद होंगे साफ दिखाई दतिया कि उसको पत्थर मार के तोड़िया जाता इटा मार के सरकारी मीटर में तोड़िया जा रहा है, ये सारी जी घटना वा कितना कितने ये हूँ पुलिस वालों भी अभी जांच की जाएगी, पुलिस अफसर को भी जड़े ने वो जे लोग जाएंगे मोहल्ला निवासी कट्ठे होकर बिजली विभाग में भी जाएंगे और पुलिस के अधिकारियों को भी जाएंगे भी जी रात की एक सारी घटना हुई है यदि जी जांच की जाए, तो वाकई जांच का भी विशेष पूरे मामले से जानकारी देने लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिजली मीटर लगाने लैके पूरा हंगामा वापरिया, रात के हनेरे बिजली विभाग के वालों मीटर लगाया जा रहा है, इलाका निवासियों के वालों कहा गया कि उन्होंने वालों कब्जा किया जा रहा है।